राम राम भाई सारे भाइयों ने। भाई आज आपके लिए वीडियो ले आऊँ भाई वेजिटेरियन डाइट डॉग के लिए कि भाई हम सुबह दोपहर और शाम को क्या दें। तो भाई मॉर्निंग में हम देंगे अपने डॉग को लस्सी। तो भाई ये लस्सी है भाई, सुबह हम देंगे अपने डॉग को लस्सी। ये देखो अगर आप लस्सी दोगे तो आपके डॉग में कैल्शियम की और गर्मी की जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी। ले जाए रॉकी। तो भाई ये सुबह की डाइट है। मॉर्निंग में आपको डॉग को लस्सी देनी है। आप ये बड़े डॉग को भी छोटे पप्पी को भी लस्सी दे सकते हो। अगर आपका डॉग लस्सी ना पीता हो तो भी हल्की सी इसमें थोड़ी सी आप फीड मिला सकते हो ताकि उसमें थोड़ा फ्लेवर आ जाए और डॉग अच्छे से खा सके। अगर आपके घर में छोटा पप्पी है या आपके घर में डॉग है, अगर वो लस्सी ना पीता हो तो उसमें हल्की सी फीड भिगो दे तो भी फ्लेवर आने के बाद आराम से डॉग लस्सी पी सकते। तो भाई गर्मी में लस्सी सबसे बढ़िया। तो भाई ये जेनी ने फिनिश कर दी। काट इसको। चलो तो भाई हमने सुबह डॉग को लस्सी दी थी, तो फिर अब दोपहर को हमने क्या देना है? अभी दोपहर को हम दही और ये सोयाबीन जो बोलते हैं हम जिसको बड़ी वो देंगे। तो भाई सबसे पहले भाई ये दो पैकेट है, दो डॉग हमारे पास, तो भाई ये दही देंगे हम इनको एक एक पैकेट। ये देखो भाई अगर आपके पास छोटा पप्पी है तो उसको कम देना है, ये नहीं है कि भाई आप उसको एक पैकेट खिला दो।
अब हमने क्या करना है, इसमें जो हमारी सोयाबीन है बड़ी, हम इसमें इसको मिक्स कर देंगे। ये भाई जो सोयाबीन है, पहले इसको हम पानी में उबाल करके अच्छे से पका लेंगे। ये देखो ये अच्छे से पकी हुई है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोयाबीन भाई इसमें सबको पता कि भाई कितना प्रोटीन होता है और दही में कितना कैल्शियम होता है, और गर्मियों में सबसे अच्छी रहती है, ठंडा भी रखती है। हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। रोकी के ये देखो इसमें सोयाबीन और दही, लेकिन ये देखो भाई आराम से दो खाते हैं बिल्कुल चाव से। अगर आपका डॉग अगर भाई आपका डॉग ना खाए, जैसे मैं अपने डॉग को देता हूँ, तो भाई अपने डॉग की खाने में थोड़ा सा फीड डाल देना, तो भाई फ्लावर आ जाएगा, उसको अच्छी सी खुशबू आएगी और वो आराम से खाएगा। तो भाई ये था हमारा दोपहर का खाना। तो भाई अब आपको दिखाएंगे शाम को हम क्या देंगे, तो भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहना। देखो भाई आराम से खाने लग रहे हैं भाई। मेरे डॉग जो है वेजिटेरियन भी खाते हैं सारी चीज़ें, भाई चिकन वगैरह भी सभी चीज़ें खाते हैं। ये नहीं है कि भाई कोई किसी चीज़ को मेरे डॉग मना करते हैं, सभी चीज़ ये चाव से खाते हैं। आप देख रहे हो विजयनी भी खाने लग रही है, रोकी भी खाने लग रहा है। और भी सोयाबीन में सबको पता भी प्रोटीन कितना होता है, बहुत ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन होता है। आपका डॉग एकदम हेल्थी और मोटा ताज़ा हो जाएगा। ये देखो भाई जेनी ने फिनिश कर दिया। गर्मियों में भाई अपने डॉग को लस्सी और दही जरूर दे। तो भाई रोकी की थोड़ी सी आदत है थोड़ा सा छोड़ने की, तो भाई आज ये देखो भाई थोड़ा सा ये छोड़ देता है ये, और इसको जेनी की मिक्स करेगी। ले जेनी, अब जेनी इस कटोरे को पूरा साफ कर दे। चलो तो भाई ये था अपना दोपहर का खाना। अब
आपको बताएंगे कि भाई शाम को हम क्या देंगे। तो भाई दोपहर को देखा आपने कि भाई दही और हमने बड़ी दी थी, तो रात को भाई हम क्या दे। तो भाई एक दलिया तैयार होता है, जैसे कि उसमें गेहूँ होते हैं, चावल होते हैं, चना होता है, जैसे सोयाबीन होती है, अभी कई तरह के ऐसे हम उसमें मिक्स कर देते हैं। अगर आप खाली चावल देना चाहो तो चावल भी दे सकते हो, अलग अलग आइटम जो है आप बदल बदल कर भी दे सकते हैं। तो भाई हमने ये दलिया तैयार कर रखा है, और हम इसमें सिर्फ खाली दलिया नहीं देंगे, इसमें भी और कुछ ऐड करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे भाई पनीर। पनीर ऐड करने के लिए भाई हम इसमें इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप अपने डॉग को मोटा ताज़ा करना चाहते हो तो भाई रात के खाने में थोड़ा सा पनीर ऐड किया जाए। ज़्यादा पनीर ऐड मत करना, अपना थोड़ा थोड़ा सा ही अच्छा रहेगा। तो ये देखो इस दलिये में हम ये पनीर ऐड करते हैं। तो भाई ये अगर आपके पास आप पनीर ना देना चाहो तो भी आलू भी ऐड कर सकते हो, एक आलू डॉग के लिए ठीक रहेगा। तो ये देखो ये हमने पनीर डॉग का तैयार कर दिया। तो इसमें हम आधा रोटी के खाने में और भाई आधा चीनी के खाने में डाल देंगे। उठाइए कटोरा। तो भाई ये जेनी का कटोरा है, ये देखो इसमें हम थोड़ा पनीर ऐड कर दें। और भाई ये रोटी का कटोरा आ गया। तो फिर ये भी नहीं है कि आप भी रोजाना ही पनीर दो, आप बदल बदल के भी दे सकते हो। जैसे कभी आलू दे दिया, कभी पनीर दे दिया, कभी जैसे दोपहर को हमने सोयाबीन दी थी, तो ऐसे ही अपना वेजिटेरियन अपना। और वही जैसे हम घर में दो सब्जियां हम काटते हैं, अपना प्याज और लहसुन का छिलका छोड़ करके आज जो हरी सब्जियां होती है उनका छिलका हम दलिये में भी डाल सकते हैं। और भाई थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना हमने। अगर ज़्यादा पानी डालोगे तो भी दो फिर खाना नहीं खाएगा। अब इसको हम पनीर को दलिये में मिक्स करते हैं। ये रोटी वाला कटोरा भाई, ये हो गया मिक्स। तो भाई सबसे पहले हम देंगे अपनी जेनी। ले रोकी, तो भाई ये था भाई अपना वेजिटेरियन डॉग के लिए खाना।